हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ऋषभ कपूर webshoptutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में फ्रेंड्स हम रिटर्न स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ नम, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू को रिटर्न करता हूँ। इसका सिंटेक्स है रिटर्न देन कुछ वैल्यू का, जो भी आप नाम देना मीन्स कि जितनी भी आप वैल्यू देना चाहते हैं या आप जो भी रिटर्न करना चाहते हैं, आप कोई स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो आप देखेंगे ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश, कुछ भी नहीं होगा। मीन्स हमने खाली वैल्यू को रिटर्न किया है, उसको यूज नहीं किया। तो रिटर्न स्टेटमेंट का यही फायदा है, हम इस वैल्यू को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं एक वेरिएबल बना के इस वैल्यू को, मींस अब इस वी वेरिएबल में टू वैल्यू आ गई, अब मैं इसको अपने हिसाब से रीयूज कर सकता हूँ। जैसा मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले एको कर सकता हूँ, मीन्स मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे टू। मैं इसको एडिशन कर सकता हूँ कुछ थ्री, या मैं इसको कंपैरिजन पर्पस के लिए भी यूज कर सकता हूं। जैसे मैं करता हूं यहां पे, इफ वी इज ग्रेटर देन वन, वी जो कि टू है, टू इज ग्रेटर देन वन, देन प्रिंट करे एको ग्रेटर ग्रेटर। तो आप देख सकते हैं, मींस अगर मैं यहां पे एको यूज करूंगा तो आप देखेंगे ये खाली टू रिटर्न करेगा, मींस ये इस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा जब हम इसको एको कर देंगे। तो ये फ्रेंड्स, ये रेकमेंड किया जाता है कि एक फंक्शन में एको नहीं करना चाहिए, हमें कुछ रिटर्न करना चाहिए ताकि हम उस वैल्यू को अपने हिसाब से यूज कर सकें। सपोज यहाँ पे टू है, अगर मैं इसको कंकैटिनेट करता हूं तो आप देखेंगे वी प्लस वन, मीन्स हम एडिशन करेंगे तो ये 21 कर देगा, क्योंकि इसने टू को स्ट्रिंग वैल्यू बना दिया। मीन्स अगर हम इसी को रिटर्न कर देंगे तो एग्जैक्टली ये सही रिजल्ट देगा थ्री। हम इसको अगर कुछ मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे, जैसे 7, 14, मीन्स इसीलिए रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना चाहिए ताकि हम इस वैल्यू को अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। चाहे हम इसमें एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन कर सकते हैं, कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस वैल्यू को किस तरह से यूज करेंगे, लेकिन आपको रिटर्न स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी उसके लिए। तो फ्रेंड्स, ये था रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे डिस्कशन फोरम पे जा सकते हैं। मेरे ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रिसेंट अपडेट्स मिलती रहे। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।